जा रहे हैं गिरीश चंद्र घोष के जो भवन है उसमें। गिरीश चंद्र घोष एक्चुअली बंगाल के नाटककार हैं और साथ साथ म्यूजिशियन भी हैं। इसमें खास क्या है ये अब आप सोच रहे होंगे, तो खास यही है जो गिरीश चंद्र घोष का जो घर है वो एक्चुअली पूरे हाईवे के मिडिल में है। मिडिल जो भवन है इसको हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। आज होगी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, रास्ते के मिडिल में घर। सही बोला मैंने, रास्ते के मिडिल में घर। तो चलिए दिखाते हैं कैसी है ये रास्ते के मिडिल में घर। कोई गाड़ी क्यों नहीं होता है वहाँ पे एक्सीडेंट, तो आपको हम यही चीज़ दिखाएंगे। मेरे पीछे है गिरीश भवन, देख सकते होंगे आप। जो अभी देख रहे हैं वो है गिरीश भवन, एक साइड में, इस साइड में आप देख सकते होंगे और इस साइड में भी, दोनों ही साइड में आप रोड देख सकते होंगे। मेरे पीछे ही है गिरीश, ये जो गिरीश चंद्र घोष है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया था इस घर को हटाने का, मगर हटा नहीं पाई। गिरीश चंद्र बहुत जिद्दी थे इसीलिए उनको हटा नहीं सका। ये एक्चुअली दो साइड से रास्ता दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे पीछे में। ये पूरी रास्ता यहाँ तक आई है, उसके बाद ये घर आ जाता है और इसके दो साइड से ही रास्ता है जो कि उनके ही जमीन पे बना हुआ है। एक्चुअली ये बहुत जिद्दी थे जो कि गवर्नमेंट का बात नहीं सुने। इन्होंने गवर्नमेंट के कहने के अनुसार इन्होंने गवर्नमेंट का बात नहीं सुना और उन्होंने बोला कि आप दो साइड से ही मेरा रास्ता ले लीजिए, मगर मैं ये घर यहाँ से हटाऊँगा नहीं। तो ये घर अभी भी यहीं पे है। एक्चुअली इस घर में अभी भी कोई रहता नहीं है, हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब दरवाज़ा और खिड़कियां बंद है। यही थी यहाँ की कहानी और आगे हम गिरीश मंच भी आपको दिखाएंगे, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। यह है बाग बाजार स्टेशन मेरे पीछे में। एक्चुअली घोष एवेन्यू के पास ही में है, यहाँ से करीब घोष एवेन्यू आपको 4 से 5 मिनट लगता है। और साथ में ये स्टेशन और रेलवे लाइन जो है ये एक्चुअली हुगली नदी के साइड में ही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो ये व्यू अगर आप ट्रेन में चलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग सी फीलिंग देगी कि सामने नदी और ट्रेन में हम जा रहे हैं साइड से। तो कभी आइएगा तो इस जगह को मिस मत करिएगा। तो चलिए अब हम घर के तरफ निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।